हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह का वक्त है। मेरा जितना भी बर्ड्स है सब खाने में मगन है। देखिए सभी बर्ड्स खा रहे हैं। इधर संचिक है, इधर कुछ सनकुनूर का बच्चा है, और एक तो सनकुनूर जिसको थोड़ा ठंड लगा था उसको ट्रीटमेंट चल रहा। इधर पर भी कुछ सनकुनूर है। ये बर्ड्स ऑलरेडी बुक्ड है, तो कल इसका डिलीवरी होने का बात था, बट वो ड्राइवर का थोड़ा तबीयत खराब होने, उसका लड़की का तबीयत खराब होने की वजह से ये बर्ड्स दो चार दिन बाद जाएगा। इधर मेरा सीबीसी है, ये सन का ब्रीडिंग पेयर है। इधर भी सनकुनूर का ब्रीडिंग पेयर है। इधर एक ब्लू एंड ब्लू येलो साइडेड है। और फ्रेंड्स, इधर मेरा एक सनकुनूर का बच्चा का, जो देखिए जिसका मुंडी है वो घूम गया। इसको मैं अलग सेपरेट करके रखा हूँ, खारा सब कर रहा है। इसको न्यूरोबियन फोर्ट बोल के एक तो टैबलेट है, वो भी मैं दे रहा हूँ, बट इसका नर्व का प्रॉब्लम आया, एक अभी तक ठीक नहीं हो रहा। अगर आप में से किसी को इसका ट्रीटमेंट का बारे में पता है तो प्लीज़ हमको बोलिए, क्योंकि इस बर्ड्स को ट्रीटमेंट का ज़रूरत है और इसका ट्रीटमेंट हमसे नहीं हो रहा। अगर कोई भी फ्रेंड्स इसका सही इलाज क्या होगा अगर मुझे बोलिएगा तो मैं बहुत हेल्पफुल होऊंगा। देखिए ये कितना तकलीफ से खा रहे हैं, जिंदा तो है बट ये कोई काम का नहीं है। इस पाइनएप्पल फेयर का देखिए छोटा छोटा चीज का आया, काफी छोटा है अभी। ये उसका फादर है। और इधर मेरा कुछ एडल्ट सनकुनूर का पेयर था जो फर्स्ट टाइम ब्रीड करने वाला था। इधर से 5 पेयर ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है और 5 पेयर है। ये मेरा ब्लू एंड गोल्ड है। इधर 2 फीमेल है, 1 मेल है। ये 1,50,000 करके, अगर किसी को चाहिए तो मिल जाएगा। और मेरा पास 3 पेयर पाइनएप्पल है फॉर सेल के लिए, जो ब्रीडिंग पेयर मैं सब सेल किया हूँ, क्योंकि मुझे सनकुनूर बर्ड्स बैठाना है। मेरा पास बहुत सनकुनूर है, आप सभी से शेयर करूँगा। इधर हो गया 1 पेयर, इधर हो गया 2 पेयर, और इसको ऊपर वाला 3 पेयर, और एकदम ऊपर वाला इसको मैं फस्टरिंग के लिए रखूँगा, क्योंकि मेरा पास संचिक भी है, उसका फस्टरिंग के लिए मैं कुछ पाइनएप्पल रखूँगा। ये मेरा इग्लिक्टस का पेयर है। मैं कल और एक इग्लिक्टस का पेयर लिया हूँ, चलिए उसको भी मैं दिखाऊंगा। आज फर्स्ट टाइम, कल रात को आया है ये, अभी तो ओपन एरिया भी इसको मालूम भी नहीं है इधर क्या करना है कैसा रहना है। ये फीमेल है, पूरा पूरी एडल्ट है। जिससे लिया हूँ वो तो अगला हमको बोला है 100% ब्रीडिंग पेयर है, बट ऊपर वाला ही जानता है वो कितना सच बोला या नहीं बोला, बट बस फुल एडल्ट है इतना तो जरूर। ये बर्ड्स का साइज भी बहुत अच्छा है, आप देखिए इसके एकदम लाल हो चुका है। बहुत अच्छा साइज है, मेरा पास भी एक इग्लिक्टस का पेयर है, बट इतना अच्छा साइज नहीं है।
बर्थ हमको बहुत पसंद आया। ये तो भौसमेरी नहीं है बट इसका मेल जो है, इसका मेल का टेल का नीचे येलो कलर है। नहीं देखिए ये भौसमेरी नहीं है बट ये मेल बहुत अच्छा मेल है। इस टाइप का बर्ड्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। इधर में बहुत सा बर्ड्स है सनकोनर जिसका कलर ऑलमोस्ट आ चुका है। अगर इसमें से कोई पेयर आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। एक 35,000 पर पेयर पड़ेगा, रेट एकदम फिक्स्ड है, कोई नियोगेशन नहीं है। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। ऑल बर्ड्स आर फुल टेम्ड। फुल टेम्ड मतलब क्या, वो अपने आप आपका हाथों में आएगा, आपका बदन में बैठेगा, माथा पे बैठेगा। वैसा आप पकड़ने जाइएगा तो नहीं सकिएगा। 35,000 पेयर। क्यों, मेरा अभी इतना बर्ड्स रखने का जगह नहीं है। मैं एक जमीन लिया हूँ, उधर मुझे एक तो फार्म बनाना है, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 साल लगेगा उसको बनाने में कम से कम। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं बोल दे रहा हूँ, 7980376775। इधर में से जैसे कुछ एडल्ट हुआ था उसमें से 5 पेयर मैं अपने एक फ्रेंड को दिया हूँ और कुछ 8-10 पेयर मैं अपना लिए रखा हूँ। उसको तो मैं अभी बैठाऊँगा ब्रीडिंग पे। अगर उनमें से भी किसी का कुछ चाहिए तो भी मैं दे दूँगा। और इधर से कोई भी बात सब लीजिए, 35,000 पर पेयर। जो जितना जल्दी लेगा उसको उतना अच्छा कलर का बर्ड्स मिलेगा। ये विथ डीएनए का है, सभी बर्ड्स का डीएनए है। और इधर एक ग्रे का मेल है। इसका क्या है, जो फीमेल इसका पूरा सर का जो फेजर है सब नोच नोच के एकदम उठा दिया था, अभी तो ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है। इसीलिए मैं इसको अलग कर दिया हूँ और वो फीमेल को दूसरा मेल का साथ मैं जोड़ा लगा दिया। मतलब वो फीमेल को मेल पसंद नहीं था। पूरा पूरी एकदम फुल एडल्ट, 7 इयर्स प्लस होगा। इसका आंख देखिए पूरा पीला हो चुका है। और ये सिर्फ 55,000 एकदम, मैं जो भी प्राइस बोल रहा हूँ एकदम फाइनल है। बात सबको पसंद आए तो मेरा साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। रेट के लिए कोई बात मुझे मत बोलिए। और ये मेरा हार्लेकिन तो अभी मेरा पास नहीं है, ये मेरा रेडग्रिल है। मेरा पास तो नहीं है और एक दुख का बात है, वो और इस दुनिया में भी नहीं है। हार्लेकिन का तबीयत ख़राब हुआ था, मैं एक मेरे फ्रेंड के पास दिया था, उसका पास सुना एक्सपायर हो गया। हाँ सुन के अफसोस लगा बट जब लाइफ है तो ये होना स्वाभाविक है।
आपका फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत सुंदर बर्ड है, इसका यो साइज है, क्या बोलूं। ये बर्ड तो एकदम पूरा दिल को छू गया मेरा।